अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैजी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोग के लिए बासमती राइस कस्टर्ड खीर, जिसको बनाना बहुत इजी है और टेस्टी भी बनती है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और दूध हमारा ठंडा हो चुका है। इधर हमने बासमती राइस लिया है, ये बाउल से आधा बाउल हमने बासमती राइस लिया है। ड्राई फ्रूट में हमने बादाम लिए हैं कुछ, उसको हमने काट लिया है। इधर हमने किशमिश लिए हैं। ड्राई फ्रूट में आप और कुछ भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। इधर हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वनीला फ्लेवर का है। 3 छोटे चम्मच से हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। इधर हमने एक बाउल, छोटे वाले बाउल से चीनी लिया है। अब सबसे पहले हम ये इस राइस को हमने अच्छे से चुन के साफ कर लिया है। इसको हम मिक्सर में डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे तो हमारी खीर अच्छी बनती है। देखिए, हमने चावल को अच्छे से पीस लिया है। हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है तो खीर हमारी अच्छी बनेगी। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैन में दूध है, दूध में हम ये चावल को डाल देंगे। और इसमें हम साथ ही साथ चीनी भी डालेंगे। फिर हम गैस को ऑन करेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, नहीं तो खीर हमारी जल जाएगी नीचे से। खीर को हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए गाइस, ये 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट तक हमने लगातार खीर को चलाया है। अब खीर हमारी तैयार होने वाली है। देखिए, इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। डाल के थोड़ी देर चला लेंगे। थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। अब इसको हमें 5 मिनट और चलाना है। इधर हमने जो ये कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा हम ठंडा दूध डाल के मिक्स करेंगे। गर्म दूध डाल के हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। ठंडा दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, खीर हमारी ड्राई फ्रूट के साथ 5 मिनट तक पक चुकी है। ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था, इसको डाल देंगे। अब इसको गाढ़ा होने तक 1-2 मिनट चलाते रहेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। देखिए गाइस, ये हमारी बासमती राइस विथ कस्टर्ड खीर बनके तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारी बासमती राइस विद कस्टर्ड खीर बनके तैयार है। हमने इसे सर्व कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।